पीटने का टैलेंट दिखा रहे हो या पिटने का? वो क्या है ना सर, वॉकमैन में बैटरीज खत्म हो गई हैं। कोई गाना बजा सकते हैं क्या? क्या गाना? ए गाना ऑन। ए गाना लगा रे। जब तक ये म्यूजिक चलेगा मेरे हाथ चलेंगे। अरे सर, म्यूजिक चालू करो सर। hey, कोई तो म्यूजिक ऑन कर दो यार प्लीज। hey, म्यूजिक नहीं है तो गाना ही गा दो यार। टी शर्ट ओ मुंडा मेरा टी शर्ट पे। टी शर्ट मिलता है, टी शर्ट मिलता है। उछल के कूद के हाथ घुमा के, गुंडों को मारे हीरो लात घुमा के। उछल के कूद के हाथ घुमा के, गुंडों को मारे हीरो लात घुमा के। अरे मुंह तोड़, अरे हाथ तोड़, अरे दे धपा दब, दे धपा दब, मार 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 मार, बना दे उसका भुर्ता। ए रुक रुक जा भाई, अगर इसे इतना मारेगा तो ये तो मर जाएगा ना। क्या एक्शन था यार। थैंक यू बॉस। वेरी गुड, तुम्हें रख लिया नौकरी। थैंक यू सर। नाउ शर्तें लागू। हर तरह का काम करोगे, होम डिलीवरी के लिए भी जाओगे, खाना और सोना, नहाना धोना एकदम फ्री। सुबह करोगे काम, कॉलेज जाओगे शाम। थैंक यू सर। 30 मिनट्स में डिलीवरी नहीं हुई तो तुम काम करोगे फ्री, नो थॉट। वेलकम टू पिज्जा स्पॉट। सूर्या जल्दी आ, ये देख हमारी मधु को गोल्ड मेडल मिला है, कॉलेज के मैगजीन में फोटो भी छपी है। सिर्फ मधु, ये तुमने क्या कर दिया? इतना छोटा नाम, पिता का नाम कहाँ है? सरनेम भी नहीं है। बगैर मेरे नाम के तुम्हारी पहचान कैसे बनेगी? आइंदा ऐसी फालतू की खबर मेरे सामने मत लाना। सुन लिया ना दादी, हो गई तसल्ली। बेवकूफ है वो, उसने तुम्हारी कदर नहीं की तो क्या हुआ? अगर तुमने इस साल अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो इस खानदान की तुम पहली डॉक्टर बनोगी, सच में। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो आज बहुत खुश होती। गुड मॉर्निंग सर, मैं एसीपी रतन हूँ। मुझको सस्पेंड किया गया है। सबने मुझसे कहा कि एक बार मैं आके आपसे मिल लूं। बोरिंग लाइफ, सस्पेंडेड और बेरोजगार भी। ए, इसके लायक कोई काम है क्या अपने पास? धोबी नहीं आ रहा, इससे कपड़े धुलवा लेते। ए, कपड़े नहीं रे, संडास साफ करवाते हैं। बेरोजगार को कोई भी काम चलेगा, मन लगाकर काम करना। क्यों रे, करेगा ना? और जूते भी पॉलिश करना। गप्पू जी मालिक, बचा कुचा खाना दे देना इसको, और जूते सिर्फ मेरे, सबके मत दे देना। संडास साफ करना इस्तेमाल नहीं। अगर लेट हुई पिज्जा डिलीवरी तो कट होगी तेरी सैलरी। और जैसे ही फाइट शुरू होगी, हमारा हीरो बाइक के साथ एंट्री मारेगा। कमाल बंदा।
तुम? कांतम्मा। अरे ये बाद में निकाल लेना। देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो प्लीज, ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो मेरी सैलरी से कट जाएगा, प्लीज चलो ना प्लीज। सर ऑन टाइम डिलीवरी सर, यहाँ साइन कीजिए। ये कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इतनी खराब चॉइस नहीं है मेरी सर। क्यों, कुछ गलत कहा? शट अप। अरे देखने में तो अच्छी है। इससे अच्छे तो हमारे पिज्जा हैं। खाइए और ऐश कीजिए। हेलो सर, डिलीवरी ऑन टाइम हो गई है सर। ओके सर। हे, ये क्या? कांतम्मा का लगता है। ओ सो क्यूट। ये तुम्हारा ही है ना, किसी और की चीज रखना गलत होता है, और औरतों की चीजें तो बिल्कुल नहीं रखते। क्या कर रही हो? मूर्ति खरीद रही हो? देखो तो कैसी है ये। हाय गणेश। ओ ए कांतम्मा, रुपीस 4000 ओनली। कैसी चालू लड़की है, मूर्ति तोड़ कर खिसक गई। ए मिस्टर, इसे तुमने क्यों तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा सर, वो लड़की तोड़ के चली गई है। कार की बात मत करो, 4000 रुपए निकालो। हेलो, इसे नुक्कड़ से लाया होगा, 40 रुपए की है ये। हमने इसे जहाँ मर्जी से लाए हो, आप 4000 रुपए निकालो, अब जल्दी से निकालो। 40 रुपए चाहिए तो बोलो, वरना नहीं दूंगा। पैसे देते हो या पुलिस को फोन करूं? पुलिस आके क्या आपको 4000 रुपए देगी? सर पैसा नहीं है ना। हेलो, ये बिल मैं पे करूंगा। सर थैंक यू सर, आपने तो आज मुझे बचा लिया, लेकिन आप हैं कौन? मुझे नहीं जानते, फाइट मास्टर जीवी हूँ। उस दिन ट्रैफिक में तुमने बाइक को क्या जूम जूम निकाला। थैंक यू सर। फिल्मों में काम करोगे? क्या कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं था फिल्मों में हीरो का काम करूंगा। हीरो के लिए नहीं, ड्यूप्लीकेट। ड्यूप्लीकेट? बिल्कुल सही, मेरी फिल्म में बाइक स्टंट का एक सीन है, अगर तुम करोगे तो 1,00,000 रुपए दूंगा। 1,00,000? हाँ 1,00,000, तुम में टैलेंट है, उसका इस्तेमाल करो। ये लो मेरा कार्ड रख लो, शूटिंग लोकेशन पर आ जाना। ओके एक्शन। ए कट 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 कट। ए क्या कर रहा तू, क्या काम कर, नीचे सीधी चलाने को था ना गधा, नालायक कहीं का। अरे सर बाइक प्रॉब्लम दे रही है। बाइक प्रॉब्लम दे रही है मुझे, तू प्रॉब्लम दे रहा है। एक काम कर, चुपचाप पतली गली से घर निकल ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर साहब, यही है वो लड़का। ओके। हेलो सर। सुन बनी, हुनर दिखा जरा अपना। ओके। उस बिल्डिंग की टेरेस से उस बिल्डिंग की टेरेस पर बाइक कुदानी है बस, उसके बाद पैसा किसे मिलेगा? अरे तुझे ही मिलेगा और किसे। क्या बात कर रहे हैं सर, बाइक तो नीचे आ जाएगी, मैं पैसे लिए बिना ऊपर चला जाऊंगा। यू आर वेरी फनी। नो सर, आई एम बनी, वेरी सीरियस सर, आपके 1,00,000 के चक्कर में जिंदगी नहीं गंवानी। ए दीपा, एक मिनट फोन देना। थैंक यू मालिक। बिटिया का फोन है। हेलो पापा जी, मैं हूँ। किसने फोन किया? आज कॉलेज में एक एक्स्ट्रा क्लास है, इसीलिए मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। इतनी सी बात के लिए क्यों फोन किया, पढ़ाई में ध्यान दो। थैंक यू पापा जी। ए, जी उसने कहा कि उसकी एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ। जरा पता लगाओ। अभी लगाता हूँ। तो तूने उसे जवाब नहीं दिया? थैंक्स। बहुत जल्दी बात हो गई, तो ये बता कैसा है तेरा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गुस्सा क्यों हो रही है, आजकल तो बॉयफ्रेंड बनाना फैशन है। अरे तू किसे समझा रही है, किताबों से नजरें उठाएगी तभी तो बॉयफ्रेंड बनाएगी। बिल्कुल सही, मेरा प्यार, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा सब कुछ मेरी पढ़ाई है। मजाक मत कर। ये मजाक नहीं, मेरे पापा जी एक पॉलिटिशियन है, अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो मेरी पढ़ाई रुकवा कर मेरी शादी करवा देंगे।
इसीलिए आईने इस टॉपिक पर बात मत करना, मुझे देर हो रही है। बाय। हाय, मैं हूँ शिल्पा भास्कर जीम टीवी से। आज के प्रोग्राम में हम युवाओं के विचारों को जानेंगे कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं। हेलो सर। हाय, क्या बात? अगर आप हमारे सवालों के सही जवाब देंगे हाँ। तो हम आपका फेवरेट गाना सबको सुनाएंगे। ये बात है तो पूछो। आपका नाम? बनी। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भैया भाभी दादा दादी दीदी कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? तो तुम अनाथ हो? हाँ। अनाथ होकर तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? तो क्या, मुझे रोना चाहिए कि मैं अनाथ हूँ? जब मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं तो दुखी किसके लिए होना है? मैं अकेला हूँ और खुश हूँ, दुनिया के सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं। वाओ। नेक्स्ट। प्यार के बारे में क्या राय है? तो फिर दोस्ती के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? उसके बारे में मेरी ओपिनियन थोड़ी हटके है। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं फिर प्यार की बातें करते हैं। ऐसी दोस्ती में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस शो के जरिए आप किसी खास दोस्त के लिए मैसेज देना चाहेंगे? दोस्त एक दुश्मन के लिए है। हे कांतम्मा, कहाँ छुप के बैठी है? मेरे 4000 का नुकसान करवा के पतली गली से भाग गई। अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा तुझको। जो पढ़ाई तू कर रही है उसमें तू फेल हो जाए। पास भी हो तो सिर्फ पासिंग मार्क्स से। जिस अजगर से तेरी शादी हो वो तुझे निगल कर खा जाए। तेरी सास एक नंबर की डायन हो। तेरा चलना फिरना उठना बैठना सब दुश्वार हो जाए। ये मेरी बद्दुआ है, मेरा श्राप है, मेरी हाय है। कांतम्मा जी, इसके पैसे वापस लौटा दो, शायद ये अपना श्राप वापस ले ले। अब ये बताओ कि यंगस्टर्स ऐसा क्या करे कि वो तुम्हारी तरह ही खुश रह सके? इसका जवाब मैं इस एपिसोड में नहीं दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।